ऑप्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन टर्म मैंने बताई बेटा, टर्म हमेशा याद रखना हमारी कंट्री में जो टर्म है दैट इज 6 इयर्स, ठीक है। आर्टिकल किस आर्टिकल में इलेक्शन कमीशन की प्रोविजन बताई गई है? 324। अगर किसी पर्सन को ये नहीं पता कि इलेक्शन कमीशन के क्या फंक्शन होते हैं, कैसे इसको रिमूव किया जाता है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 324 डिटेल में पढ़ सकते हैं जिसमें सारी प्रोविजन बताई गई है, ठीक है। देन हु कैन अपॉइंट इलेक्शन कमिश्नर? हम प्रेसिडेंट। जैसे कल जयदेव ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, हाउ? ये क्यों? मैंने आपको बताया कि इलेक्शन कमीशन की टर्म कितनी रखी गई है? सपोज ये जो करंट ईयर, इस करंट ईयर में नया इलेक्शन कमिश्नर बना और इस सेम ईयर में प्रेसिडेंट भी बना। सबसे पहले सपोज, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि दोनों इकट्ठे ही रिटायर होगा, क्योंकि टर्म 6 ईयर है, प्रेसिडेंट की कितनी है? 5 ईयर। सपोज प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने हैं और जो पिछला इलेक्शन कमिश्नर है उसने प्रेसिडेंट के इलेक्शन करवा दिए और नए प्रेसिडेंट बन गए, प्रेसिडेंट नए बन गए और ठीक है, वो 6 मंथ्स के बाद वो क्या हो गए? रिटायर हो गए, ठीक है। अब 6 मंथ्स के बाद इलेक्शन कमिश्नर रिटायर हो गए, अब 6 मंथ्स के बाद प्रेसिडेंट विल टेक डिसीजन रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो प्रेसिडेंट जो है वो नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसको अपॉइंट करेंगे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की टर्म तो फिर भी 6 ईयर्स है, ये प्रेसिडेंट तो 5 ईयर्स के बाद फिर क्या हो जाएंगे? पोस्ट चेंज हो जाएगा। तो अपने पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक इलेक्शन कमिश्नर, इमेजिन करो कितने प्रेसिडेंट की इलेक्शन कंटेस्ट करवा सकते हैं, एटलीस्ट 6 ईयर्स है, 6 ईयर्स है, 2 कर सकते हैं। सेम ईयर सपोज, सेम ईयर सपोज 2021 है, उसी पर्टिकुलर ईयर में जनवरी में प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए और सोचो कि नवंबर और दिसंबर में, ठीक है, न्यू इलेक्शन कमिश्नर आ गए, तो नवंबर दिसंबर को हम काउंट करेंगे ना, उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर की टर्म कितनी है? 6 ईयर्स है और मे बी इन द मेन टाइम प्रेसिडेंट जो है वो चेंज हो सकते हैं और उसके बाद यही इलेक्शन कमिश्नर अपने टाइम पीरियड में प्रेसिडेंट के इलेक्शन को भी करवा सकते हैं, इसीलिए टर्म 6 ईयर। बच्चे पूछते हैं कि मैम 6 ईयर्स क्यों रखी गई, दिस इज द रीजन। हां जी, बन सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन द विल ऑफ द प्रेसिडेंट, जरूरी नहीं बन सकते, कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन टर्म 6 ईयर्स के बाद ऑटोमेटिकली जो है वो खत्म हो जाती है टेन्योर, इसको टेन्योर भी कहते हैं, टर्म भी कहते हैं, ठीक है। अब आ जाओ फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। फर्स्ट मैंने क्या करवाया था? टू कंडक्ट इलेक्शंस, ठीक है। इसमें हमने नंबर ऑफ, मैंने आपको बताया था, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एमपीज, एमएलएज, लोकसभा के इलेक्शंस, राज्यसभा के इलेक्शंस एंड साथ ही साथ विधानसभा इलेक्शंस। विधानसभा मतलब स्टेट के इलेक्शंस होते हैं, एमएलएज के इलेक्शंस, ठीक है। सेकंड मैंने बताया आपको वोटर लिस्ट, इसको अलग से भी कर सकते हो, इसके साथ ऐड भी कर सकते हो, वोटर लिस्ट या वोटर कार्ड। वोटर लिस्ट को अपडेट करना, उसको तैयार करवाना, पुराने नेम जो है उनको डिलीट करवाना जिनकी डेथ हो जाती है, जो 18 इयर्स के अबव हो जाते हैं उनको ऐड करना, और इसके अलावा और भी बहुत सी इंफॉर्मेशन होती है जो लोगों से ली जाती है ताकि आगे जाकर इस इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर कंट्री से रिलेटेड कोई भी स्टैटिस्टिक्स है या सर्वे करवाया जा सकता है। देन वोटर कार्ड, वोटर कार्ड मैंने आपको कहा था अपने पेरेंट्स के वोटर कार्ड देखना, उस पे इलेक्शन कमीशन की स्टैंप होती है, अगर स्टैंप नहीं होगी तो वो क्या होगा, क्या होगा? फेक माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का मतलब है प्रॉपर पुलिस प्रोटेक्शन। फेयर तभी होंगे जब प्रॉपर पुलिस प्रोटेक्शन होगी। फ्री यानी कि वोटिंग के लिए किसी तरह से मनी नहीं ली जाती है। थर्ड, फ्री एंड फेयर का मतलब होता है हर एक को इक्वल चांस दिया जाता है। इक्वल चांस इज गिवन टू एवरी वन, यानी कि कोई भी पर्सन वोटिंग के लिए जब आता है, ईवीएम के ऊपर अलग अलग लीडर्स के नेम है, सिंबल्स है, इवन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स दे हैव बीन गिवन प्रॉपर राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन। अगर कोई पर्सन जो है वो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं भी करता, वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बन सकता है और उसको जो सिंबल है वो कौन अलॉट करता है? इलेक्शन कमीशन। फ्री एंड फेयर का मतलब होता है हमारी कंट्री में कोई भी कॉमन पर्सन भी इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट कर सकता है। हमारी कंट्री में कोई हेरिडिटरी या मोनार्की सिस्टम या कोई ऐसा नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर पार्टी से बिलोंग होना चाहिए, ठीक है। सपोज आप में से कोई कल को इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बनना चाहता है तो इट डजंट मीन कि आपको किसी पार्टी से बिलोंग करना हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ डिवीजन ऑफ इलेक्टोरल एरियाज। ये हमने उसमें भी किया हुआ है स्टेप्स में। अकॉर्डिंग टू इलेक्शन नंबर ऑफ सीट्स आर डिवाइडेड। इफ द इलेक्शन आर ऑफ लोकसभा देन होल ऑफ द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543। इफ द इलेक्शन आर ऑफ विधानसभा then the state is divided according to number of
सीट्स। तो ये है इलेक्टोरल एरियाज के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ सीट्स जो है वो डिवाइड की जाती है एंड इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन टू डिवाइड द एरियाज इक्वली। ऐसा ना हो कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड कर दिया, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत बड़ी है और एक एरिया बहुत छोटा सा है, तो नंबर ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वो एरिया और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड की जाती है। मैंने एक क्वेश्चन पूछना था, अगर हमारी जैसे डिस्ट्रिक्ट में लोकसभा के इलेक्शंस हैं तो कितनी पार्टीज में वो डिवाइड होगा, मतलब कितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वो डिवाइड होगा? जलंधर का तो एक ही एमपी, वन एमपी फ्रॉम जलंधर। टोटल पंजाब में 13 सीट्स हैं लोकसभा के इलेक्शन के लिए, टोटल पंजाब में 13 सीट्स हैं। तो आप ये सोचो कि जब हमारी कंट्री में लोकसभा के इलेक्शन होंगे ना तो पंजाब को 13 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और हमारे पंजाब में से कितने एमपी मिलेंगे, 13। तो जलंधर का एक एमपी, पूरा जलंधर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होगा एमपी के इलेक्शन में, पूरा जलंधर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है। लेकिन एमएनए के टाइम पीरियड में जलंधर को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। क्लियर? मैम वो क्यों एमएलए के टाइम पे क्यों डिवाइड कर देते हैं? एमएलए ज्यादा चाहिए ना, एमएलए तो पंजाब से चाहिए। एमपी, एमपी के लिए पूरे इंडिया को कवर करना है, जितना एरिया ज्यादा होगा उतना नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है वो बड़ी होंगी। एमपी के इलेक्शन में आप खुद सोचो, अगर एमपी का इलेक्शन है तो जलंधर को जो है जलंधर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी माना जाएगा। अगर एमएलए है तो हमें एमएलए 5 or 6 एमएलए चाहिए, तो वी कैन डिवाइड द जलंधर अकॉर्डिंग टू 5 or 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी। फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन टू अलॉट सिंबल्स एंड टू गिव रिकॉग्निशन। ओके, डिवीजन ऑफ इलेक्टोरल एरियाज, कॉन्स्टिट्यूएंसीज और एरियाज आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सीट्स। If the elections are of Lok Sabha, then whole of the country will be divided according to 543 constituencies. Similarly, same for Legislative Assembly. Electoral areas, constituencies. Okay? Next is to give recognition to political parties and to allot symbol. Parties ko recognition di jati hai और सिंबल्स अलॉट किए जाते हैं। जस्ट यू कैन सी सिंबल्स आर हियर, पार्टीज हैं उनके अलग अलग सिंबल्स हैं। तो दीज सिंबल्स हैव बीन गिवन बाय द इलेक्शन कमीशन टू द पॉलिटिकल पार्टीज। एंड पार्टीज आर ऑफ टू टाइप, दो तरह की पार्टी होती है, नेशनल पार्टी एंड रीजनल पार्टी। कोई भी एक एग्जाम्पल दे दो, नेशनल पार्टी फॉर एग्जाम्पल INC एंड BJP, रीजनल पार्टी फॉर एग्जाम्पल शिवसेना इन महाराष्ट्र एंड अकाली दल इन पंजाब। जस्ट आप इतना बता दो कि इनको रिकॉग्निशन कौन देता है, इलेक्शन कमीशन। क्लियर? ठीक है, ये आप बता सकते हो। नेक्स्ट इज टू कंडक्ट इलेक्शन, ये आपने पहले बता चुके कि कौन कौन से इलेक्शन है, मिड टर्म है, बाय इलेक्शन है, जर्नल है, ये फर्स्ट पॉइंट में आप बता सकते हो। देन टू कैंसल पोल्स, हाँ ये भी इलेक्शन कमीशन का मोस्ट पावरफुल फंक्शन है। टू कैंसल पोल, पोल का मतलब होता है इलेक्शन। इलेक्शन कब कैंसल करवाए जाते हैं? तीन चार प्रॉब्लम्स बता दो। नंबर वन, इलेक्शन कमीशन कैन कैंसल इलेक्शंस इन पर्टिकुलर एरिया इफ देयर इज अ रिपोर्ट ऑफ, कौन कौन सी रिपोर्ट हो सकती है, माल प्रैक्टिसेस का मतलब कोई भी किसी भी तरह से can election commission can cancel election if the report of booth capture ho gaya। second is fake vote ka matlab kya hota hai, kisi aur ke voter card par kisi aur ne kar liya, theek hai। third rigging ka matlab hota hai gun point ke upar votes lena, rigging ka matlab hota hai voting on gun point with the use of money and muscle power। अगर इस तरह की कोई भी रिपोर्टिंग या कोई भी वीडियोस या कोई भी आर्टिकल या किसी भी तरह से कोई भी प्रूफ एविडेंसेस इलेक्शन कमीशन के किसी भी एम्प्लॉय के पास आता है तो उनका प्रॉपर फर्स्ट स्टेप क्या होगा, उसकी वेरिफिकेशन करना। सेकंड, अगर वीडियो भी नहीं आता, कोई रिटर्न रिक्वेस्ट ही कर दे,
सपोज जतिन है, मैंने पहले भी एग्जांपल बताया हुआ है कि जतिन है, ये एक एप्लीकेशन लिख दे, इसकी एप्लीकेशन को माना जाएगा इलेक्शन पेटिशन। क्या माना जाएगा? इलेक्शन पेटिशन। इसमें क्या लिखेगा कि हाँ जी मैंने सेंटर में देखा कि सम गनमैन दे वर डूइंग माल प्रैक्टिसेस, रिगिंग हो रही थी, बूथ कैप्चरिंग हो रहा था, इसने प्रॉपर वीडियो बना लिया, साथ में ही इसने क्या किया एक एप्लीकेशन और इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में ये खुद जो है वो फाइल करने के लिए गया, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज इलेक्शन पिटीशन। अब इस ये सिर्फ एक एविडेंस, एक एविडेंस का मतलब है इसका जो एविडेंस है रिकॉर्ड हो गया, उसके बाद वेरिफिकेशन कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन विद द हेल्प ऑफ पुलिस, पुलिस भी सपोर्ट करेगी। और अगर प्रूफ हो जाता है उसके बाद इसको बुलाएंगे भी, इन द मीन टाइम इसको बुलाएंगे, हाँ जी कब देखा, टाइम बताओ, ये है वो है, जो भी होगा, नो डाउट अलग है कि हाँ इसको लगेगा कि हरासमेंट होती है बताया, लेकिन फिर भी अगर रियल आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए तो ऑनेस्ट लोग ऐसा करते भी नहीं। उसके बाद 6 मंथ लग जाते हैं, कई बार 1 ईयर भी लग जाता है, आपको पता है हमारी कंट्री में कहीं ना कहीं जुडिशरी जो है वो डिले हो जाती है, स्लो हो जाती है ना, तो मे बी 6 मंथ के बाद, 1 ईयर के बाद जब इलेक्शन पिटीशन का रिजल्ट आता है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, फिर इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है, उस एरिया की जो सीट है उसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ड्यूरिंग उस टाइम भी कर सकते हैं अगर उसी टाइम पता लग जाए, ठीक है, या फिर जीतने के बाद भी कैंसिल कर सकते हैं 6 मंथ के बाद उस एरिया में, फिर क्या कौन सी इलेक्शन करवाए जाएंगे, बाय इलेक्शन, ठीक है। तो दीज वर द फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन इन आवर कंट्री, क्लियर है बेटा, टू गिव रिकॉग्निशन टू द पॉलिटिकल पार्टीज एंड टू अलॉट सिंबल्स। बूथ कैप्चर का मतलब होता है पूरा स्कूल हमारा एक बूथ होगा, बूथ नंबर 1। अब कई कई बार क्या होता है कि सपोज कुछ लोग हैं उन्होंने गेट बंद कर दिया और अंदर आकर अगर कुछ फॉल्स वोटिंग कर रहे हैं, इट मींस उन्होंने बूथ कैप्चर किया ऑन द बेसिस ऑफ पावर, इसको बोलते हैं बूथ कैप्चर। हाँ डिपेंड करता है कि इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर कितनी वेरिफिकेशन करते हैं, कई बार वायरल वीडियोस भी होते हैं, कई बार वायरल वीडियोस भी होते हैं, उनकी प्रॉपर उनकी चेकिंग की जाती है, अगर सही है तो इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर पूरा अपना रिपोर्टिंग करते हैं, ठीक है। एनी डाउट, एनी डाउट बेटा? टू गिव रिकॉग्निशन टू द पॉलिटिकल पार्टीज एंड टू अलॉट सिंबल्स to conduct elections, वो already discuss किया है, it is clear? माल प्रैक्टिसेस का मतलब wrong practices, wrong practices। Excuse me ma'am, हम EVM में हमारी कोई वोट कैंसिल भी कर सकता है? EVM में वोट कैंसिल नहीं होती, EVM में कई बार होता है आपसे wrong press हो जाता है बटन तो कैंसिल हो जाता है, otherwise कई बार वो पता क्या करते हैं, लोगों को पता नहीं होता कि प्रेस कैसे करते हैं बटन, वो कैंसिल हो सकता है अदरवाइज। क्लियर? यस मैम। हां जी, एनी डाउट? ओके, नाउ कीप क्वाइट, लिसन, बस आवाज नहीं, कुछ भी तेरी बहुत आवाज है। ब्रिजेश इसको सुनेगा ही नहीं, टीचर की बात थोड़ी सुननी है इसको। हाँ जी, दैट आई हैव डिस्कस रिगार्डिंग योर इलेक्शन, इलेक्शन जो है पॉलिटिक्स, ठीक है। अब मैं जो डिस्कस कर रही हूँ दैट इज रिगार्डिंग योर बुक। अब आपका जो भी टॉपिक है ये आपकी बुक से रिलेटेड है, बिकॉज वट एवर आई हैव डिस्कस That was not in detail. आपकी बुक में ये डिटेल में बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है, इसलिए मैंने आपको बार बार कहा इसको नोट डाउन करो प्रॉपर, लेकिन कईयों ने किया कईयों ने नहीं किया। अब हम जो भी डिस्कस करेंगे वो आपकी बुक का फर्स्ट पेज, क्योंकि आपकी जो सिविक्स की एनसीईआरटी बुक्स है ना, इसमें बहुत कम जो है वो मैटर दिया गया है, सिर्फ 10-20% मैटर इसमें कवर करता है, तो दैट इज द स्टोरी। सबसे पहले हमने ये स्टोरी कवर करनी है, द स्टोरी इज फ्रॉम हरियाणा असेंबली इलेक्शन। This is a story from Haryana Assembly election. क्या थी ये story? और क्या different था इस story में? This story is related with the elections. कई बार क्या होता है? आप imagine करो
एक पॉलिटिकल पार्टी अपने एरिया में लोगों के साथ प्रॉमिसेस करती है और लोग उसको जिता देते हैं, प्रॉमिसेस फुलफिल भी हो जाते हैं और वो पार्टी जीत भी जाती है। जीतने के बाद उस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जो भी डिस्कस किया होता है वो सारा फुलफिल कर देते हैं। 5 साल तक वो पार्टी लोगों में अपना पूरा कॉन्फिडेंस बना चुकी होती है। बट इमेजिन करो अब नेक्स्ट 5 साल के बाद जब फिर से इलेक्शन होंगे, वो पार्टी इमेजिन करती है कि वो पार्टी जीत जाएगी, लेकिन वो पार्टी हार जाए तब क्या होता है लोगों के माइंड में क्या होता है? यानी कि एक पार्टी के पूरे जीतने के चांस हो लेकिन वो पार्टी हार जाए तब लोगों के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। एंड दैट इज अ रियल रिजल्ट ऑफ आवर कंट्री। हमें खुद ही नहीं पता, कई बार हमें लगता है कि ये एरिया, इस एरिया में तो ये पर्सन जीतने वाला है, लेकिन वो हार जाते हैं और एक हारा हुआ पर्सन जीत जाता है, क्योंकि लोगों की पावर क्या है? वोट। और ये एक ऐसी पावर है जिस पावर के बारे में पहले से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। नो डाउट एग्जिट पोल्स आर देयर, एग्जिट पोल्स होते हैं, लेकिन फिर भी जब तक रियल रिजल्ट नहीं आता तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता एस्टिमेट से। ठीक है, तो हमारी कंट्री में एक, मैं ना पहले वीडियो ऑफ करूँ,